अपडेट आपको दे दे, बहनों के लाडले भैया लीडिंग टैली में नजर। देखिए मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। सबसे बड़ा सरप्राइज दे रहा है छत्तीसगढ़, वहां पर भी कमाल हो गया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। अब हम देख रहे हैं कि 162 सीटें रुझानों में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये सबसे पहला नतीजा न्यूज 18 पर। तो सबसे पहला रुझान और सबसे पहला नतीजा न्यूज 18 पर आपने देखा, और चुनाव मतलब भरोसा, भरोसा मतलब न्यूज 18, और न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है आपको हर तस्वीर, हर अपडेट। सुमित, बिल्कुल पल पल का अपडेट, हर एक सीट पर हमारा रिपोर्टर तैनात है, हमारे सहयोगी तैनात हैं, और कौन कहां से जीत रहा है। देखिए अंतागढ़ से बीजेपी के विक्रम उसेंडी जीत चुके हैं, अंतागढ़ से बीजेपी के विक्रम उसेंडी की जीत हुई है। यहां पर एक और बड़ा रिजल्ट, अंतागढ़ सीट से बीजेपी की जीत हुई है, विक्रम उसेंडी यहां से जीत चुके हैं। 55 सीटों पर बीजेपी आगे, 34 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए जो रुझान है अब वो नतीजों में, रिजल्ट में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा का रुख करेंगे हम। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक से पहले। जी देखिए, जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए कि आपने ये काम नहीं किया। जनादेश का हमेशा से सम्मान करना चाहिए। ये जो मिला है इसे नम्रता से कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो जनादेश है ये कांग्रेस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर मुहर है, उस पर बटन लगाई गई है जनता ने। अभी चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी बहुत सारी होर्डिंग्स लगा के रखे थे, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.40%। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्यार्थी, जो मेघावी विद्यार्थी, वो बेहोश हो जाते थे। ऐसी स्थिति तो कहीं पर नहीं दुनिया में। देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, पूरे विश्व की समस्या है। रोजगार का अभाव है, जो जीविका उपार्जन की एक समस्या है, लेकिन उसमें इतना बड़ा झूठ, ये चुनाव इस बात का परिणाम है कि आप जनता को झूठ बोलकर, लाइट दिखाकर, टीवी में दिखाकर, झूठ बोलकर आप आवाम को जीत नहीं सकते। आपको काम करके दिखाना होगा। मध्य प्रदेश के मैंडेट यह कहता है कि मध्य प्रदेश ने काम करके दिखाया तो जनता ने मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ ने यह जनादेश दिया है कि आप अगर केवल फोटो सेशन करेंगे और झूठ बोलेंगे तो जनता को भी मौका मिलता है, एक दिन का मौका मिलता है, और वो एक दिन में जनता कुर्सी खसका देती है और नई कुर्सी लगा देती है। ये जनता जनार्दन को हम सैल्यूट करते हैं। उसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो ही बताएंगे सर। भारतीय जनता पार्टी के साथी चुनाव के पहले ये मुद्दे इनको याद नहीं आया, उस मुद्दे पे वोट मांग लेते, उस मुद्दे पर चर्चा कर लेते। 40 राजू भाई ये ऐतिहासिक सत्य है कि भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। ये छत्तीसगढ़ 26 लाख महिलाएं जो है समृद्ध हुई है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। हमने इसी पर चुनाव लड़ा, भाजपा की तरह हमने पाखंड नहीं किया, झूठ नहीं बोले, हमने षड्यंत्र नहीं रचे। आपको जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए नम्रता से। छत्तीसगढ़ के नेता पूरे चुनाव अभियान में गायब थे, ये षड्यंत्र रचते रहे ईडीआईटी के माध्यम से। वो कमल छाप के बड़े प्रचारक तो वही थे, 3 साल से डेरा था। तुम अब देखिए तेलगी का घोटाला, अगर पकड़ा ईडी तो ईडी को गाली दीजिए। अरे देखिए मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा नेता कोई एजेंसी को नहीं छोड़ा, पकड़ा वो भाजपा का कार्यकर्ता। एक चीज का, अच्छा सुरेन जी एक चीज का छोटा सा जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अर्धसैनिक बल के ऊपर अभी भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि भाजपा का पैसा ट्रांसफर कर रही है, जो CISF है या BSF है या CRPF, जो लोग शहीद हो रहे हैं उस खाकी वर्दी पर आपने आरोप लगाया। क्या जनता ने इसे लिया? क्या संदेश गया जनता के पास कि कांग्रेस पार्टी बटाला ट्रांसफर करना, कांग्रेस पार्टी पुलवामा के ऊपर बोल कहती है, और आज तो इतनी निष्ठा हो गई कि पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर आरोप लगाने लगे, ईडी के ऊपर आरोप लगाने लगे। अरे जो आप चुप कराने के ना, मुझे भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, और मेरा गला बड़ा बैठ गया है।
लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर बहुत सीधा सवाल है और मिथुन जी से पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। सर ये आरोप लगाए मिथुन जी बीजेपी ने कांग्रेस पर कि देखिए इनके यहाँ तो खुद ही सिर्फ उटपल है। ठीक है, आपके पास जवाब था कि लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कन्हैया ने एक ट्वीट किया है आपसे थोड़ी देर पहले कि जो हार हुई वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वजह से हुई। मैं पूछूंगी आपको सवाल, लेकिन नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जीत गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जीते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जीत चुके हैं। लाखन सिंह पटेल इनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन लाखन सिंह पटेल की एक बार फिर से हार हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी लाखन सिंह पटेल खड़े हुए थे प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल के सामने, लेकिन जालम सिंह पटेल की टिकट काटी गई, प्रहलाद पटेल को टिकट दी गई और प्रहलाद पटेल की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। जी मिथुन जी, इस ट्वीट पर क्या कहेंगे? कुमार के ट्वीट की बात कर रही है, उनका ऐसा कोई ट्वीट इनके ट्विटर टाइमलाइन पे अब डिलीट कर दिया तो अलग बात है, लेकिन मैंने खुद देखा है। अब मैंने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, लेकिन मैं आपका मेरा फोन मेरे पास है, मैं दिखाती हूं अकाउंट पे तो नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, ठीक है आपके अकाउंट में नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, उनके अकाउंट पे नहीं। हाँ, उनके अकाउंट में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा फोन, अरे मिथुन जी आप मुझे कुतर्क मत उलझाइए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं सवाल बदल देती हूँ, सवाल बदल रही हूँ ठीक है। कमलनाथ के अहंकार के चलते कई बार उन्होंने पार्टी आलाकमान की भी नहीं सुनी, ये बात मेरी बात आरोप है, नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरा आरोप नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में परिणाम हुआ और ये भी कहा गया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से कि लगातार गठबंधन का सम्मान भी नहीं किया कांग्रेस ने, अपनी अहंकार में उलझी रही, क्या कांग्रेस को, क्योंकि आप एक कांग्रेस के सिपाही हैं वफादार, आप तर्क करते रहे हैं, अलग अलग डिबेट में शामिल होते रहे हैं, लेकिन क्या लगता नहीं कि वाकई अब ये हाई टाइम है कि कांग्रेस को सोचना होगा, बदलना होगा पूरी तरह 360 राउंड पर? देखिए, इन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग 15 साल की भारतीय जनता पार्टी को, जिसको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी कहा जाता है, आरएसएस की लेबोरेटरी कहा जाता है, इन्हीं कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यदि हम लोग सत्ता लेकर के आए थे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व में यदि कमलनाथ जी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी उनको डिक्लेयर किया था कि वे मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का भी अंदेशा दिया गया था, तो अगर कमलनाथ जी अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उस परफॉर्मेंस को अगर नहीं दिखा पाए तो हार के कारणों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसका कहना है कि एमपी के मन में मोदी थे तो अब अपना वादा निभाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में पेट्रोल जो है वो 100 रुपये से नीचे, मध्य प्रदेश में 108 भोपाल में चलता है, उन्होंने कहा था फ्री व्हीकल्चर बंद होना चाहिए तो आकर के मध्य प्रदेश में वो काम करे, अपनी बात को वॉक द टॉक करना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में परिवारवाद नहीं चलेगा, दूरदर्शन दर्जन से ज़्यादा नेताओं के रिश्तेदारों को इन्होंने जो टिकट दिया है, तो मोदी जी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। यदि मैंडेट में ये नज़र आता है आने वाले समय में कि एमपी के मन में मोदी, तो मोदी जी आकर के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हीं का मानना है कि शिवराज चौहान जी की गारंटी की कोई वैल्यू नहीं, केवल एकमात्र मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम कैडर इसके जवाब नेहा जी से ले लेते हैं। जी मिथुन जी, इसके जवाब नेहा जी से ले लेते हैं। नेहा जी, ये जो प्रचंड बहुमत से जीत दिखाई दे रही है बीजेपी की, ये लाडली लहर है या मोदी मैजिक? देखिए, ऐसा कैसा चलेगा कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। जनता का मैंडेट 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, प्रचंड जीत हो रही है, और एक भी बार स्पोर्ट्समैनशिप के तहत कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से बधाई नहीं निकल कर आ रहा है। आपको जैसे ये 116 मिलेगा, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा। हार जीत दोनों चलती रहती है, पर जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि फिर से 2023 में इस 21वीं सदी में राजनीति का अपराधीकरण हो। वो कमलनाथ जो 84 के दंगे में संलिप्त रहे, जिनकी वजह से सिखों के परिवार के सारे पुरुष समाप्त हो गए, विधवा कॉलोनी बस गई, जिन्होंने सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दी जिसने महिला के साथ ट्रेन में छेड़खानी की। जी, मेरे सवाल मैं को आपको, डाइवर्ट मैं कर आपको दिया। मूल बता रही हूँ कि क्यों रिजेक्शन है और क्यों सिलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो गारंटी देने जा रही थी, इनकी वारंटी नहीं है। जब इस पार्टी की वारंटी नहीं है तो इनकी गारंटी को स्वीकार कौन करेगा?
और इतने अपराधियों को जिस तरीके से टिकट दिया है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल्स थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली, वो ही चुनाव से पहले छोड़ छाड़ कर जा रही थी, जिस तरीके से उनके साथ में अपमान और अत्याचार हो रहा था। मध्य प्रदेश में हुबहू वही किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये जो सिलेक्शन था सारी टिकटों का, ही कौन है हत्यारे, ये ब्रेकिंग आ गई है, खासकर वर्मा जी के लिए ये ब्रेकिंग है क्योंकि सुबह से ही वो कह रहे थे। लेकिन भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह को जीत हासिल हुई है, ये बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह की जीत हुई। नेहा जी आप पहले जवाब कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगी। मिथुन जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं। ये देखिए, ये दो घंटा पहले ही पीछे ही थे और अभी भी यहाँ पर पीछे शो कर रहा है कि बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लगातार बड़ी खबर है, ये लगातार ही पीछे चल रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले भी पीछे चल रहे थे, अभी भी पीछे चल रहे हैं। क्या हार जाएंगे, ये भविष्य की गर्त में है। लेकिन पीछे चलना, गृह मंत्री का पीछे चलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव भी वो कम वोटों से ही जीते थे, इस बार पीछे चल रहे हैं। लगातार काफी लंबा समय हो गया है, मतलब काफी टाइम हो गया है, लगातार वो पीछे ही चलते आ रहे हैं, अभी तक वो आगे नहीं आए हैं। नेहा जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी, जो आते ही 3 महीने के अंदर 280 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो हवाला के माध्यम से सोनिया गांधी के निवास तक मध्य प्रदेश से पहुंच रहा था। एक लौते ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं जो वल्लभ भवन से बाहर निकल के नहीं देख पाए। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये खुद इनके मंत्री उमंग सिंघार बताते रहे कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, किसी के संरक्षण में चल रहा था कमलनाथ के। लेकिन यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा काफी बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं, 7,500 वोटों के अंतर। देखिए, पिछली बार भी हमने देखा था कि कई प्रत्याशी ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत नेक टू नेक चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, पर अंत में जैसे जैसे रुझान खत्म होकर काउंटिंग का दौर आगे बढ़ता गया, वो मार्जिन से जीतकर आ गए। निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी भी उससे बाहर निकलकर आ जाएंगे। ठीक है, और अभी कुछ देर पहले आप देखिए, लौटेंगे आपके पास, मैजिक वॉल जाने का वक्त आ गया है सुमित, और दिख रहे हैं मैजिक वॉल एक्सपर्ट हमारे, जिनके पास पूरा ज्ञान है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, पुनीत हमारे साथ जुड़ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोग चर्चा को जारी रखिएगा, मैं कुछ समय लूंगा दर्शकों को ये बताने के लिए कि पहला फेज, सेकंड फेज, छत्तीसगढ़ में दो फेज हुए थे। छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लेते हैं, कुछ देर पहले एमपी का हमने गणित समझा दिया था, तो अब छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये तस्वीर जो है ये 2023 विधानसभा की तस्वीर बनकर नजर आ रही है। बीजेपी 54 सीटें प्लस 39, कांग्रेस 35 सीटें माइनस 33, कितना बड़ा डिफरेंस है, अन्य भी माइनस 6। अब ये आप तस्वीर जरा इसके ऊपर गौर करिएगा, और ये डेटा जो है यहां जो आ रहा है इसके ऊपर भी गौर करिएगा कि ये 2018 में तस्वीर क्या थी। यहां पर बिल्कुल बदली हुई तस्वीर थी, और देख सकते हैं आप कि बीजेपी को 32.98% वोट शेयर हासिल हुआ था, 43.04% कांग्रेस को 68 सीटों के साथ हासिल हुआ था। लेकिन इसके पहले 2013 में इसलिए ले जाना चाह रहा हूं क्योंकि ये देखिए 5 साल कांग्रेस ने शासन किया है, और कांग्रेस ने शासन किया उसके बाद कितनी बड़ी ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है कि आप शासन कर रहे हैं उसके बावजूद इतनी कम सीटें आना। ये 2013 की बात कर ली जाए तो अभी जो स्थिति है उससे थोड़ी बेहतर स्थिति तो कांग्रेस की 2013 में थी। 2023 में जो स्थिति कांग्रेस की बन रही है 37, इससे पहले 2003 में अच्छी थी, 39 सीटों पर 40% वोट शेयर कांग्रेस ने हासिल किया था। अब वोट शेयर जो है वो लास्ट में निकलकर जब सामने आएगा तब हम बात करेंगे। बात 2023 के विधानसभा के इस इलेक्शन की कर लेते हैं, तो अब सबके मन में ये सवाल होगा कि छत्तीसगढ़ में दो चरण हुए, पहले 90-20 सीटों पर हुआ, फिर 70 सीटों पर हुआ, तो पहले चरण में किसके खाते में क्या कुछ गया है ये देख लीजिए। बड़े बड़े दावे हो रहे थे, याद है ना आपको, अगर याद है तो इन दावों का हिसाब किताब करने की बारी आ गई है। हिसाब किताब कर लेते हैं, फेज वन की तस्वीर देख लीजिए, ये फेज वन की तस्वीर है, 20 सीटें छत्तीसगढ़ में फेज वन में हुई, बीजेपी 11 सीटों पर जीती है, 9 का फायदा बीजेपी को हुआ है, कांग्रेस 9 सीटों पर जीती है, 8 का नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान, पहले चरण की अगर बात की जाए तो उसमें यहां पर देखने को मिला। अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए दूसरे चरण पर आ गए,
और दूसरे चरण की तस्वीर अगर हम देखेंगे तो क्या निकल कर सामने आती है, ये देखिए दूसरा चरण। और एक प्रकार से यहां अगर कांग्रेस का ये वाला हिस्सा कुछ कुछ, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भगवा जो है ये नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे तो ये पूरा भगवा नजर आ रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये लहर है, ये लहर है और जो चली है तो एक तरफा चली है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक हिस्सा जो है एक तरफा लहर चली है। इसके अलावा और फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर से देखते जाएंगे कि क्या तस्वीर बनती है। नक्सल अफेक्टेड एरिया जो है वहां पर, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहले वोटिंग हुई थी, कुछ हिस्से हालांकि बाद में भी हुए जहां 3 बजे तक वोटिंग हुई थी, वहां नक्सल अफेक्टेड एरिया की तस्वीर क्या निकल कर सामने आती है, देखिए ये नक्सल अफेक्टेड एरिया पड़ता है छत्तीसगढ़ का। और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए नजर डाली जाए तो यहां कांग्रेस जो है यहां जीती हुई नजर आ रही है, यहां पर कांग्रेस बढ़त भी बनाए हुए है और जीत भी रही है। लेकिन अगर यहां पर बस्तर के क्षेत्र में आप नजर डालेंगे बारीकी से तो यहां पर बीजेपी बैक कर रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी को जो फायदा हुआ है वो कैसे फायदा हो रहा है और बीजेपी कैसे गेन कर रही है। नक्सल अफेक्टेड सीटें जो है वो 35 सीटें आती है, उसका भी हिसाब किताब आपको दिखा देते हैं। 35 सीटों में कांग्रेस 18 सीटें हासिल कर चुकी है, 11 का नुकसान कांग्रेस को यहां देखने को मिल रहा है, बीजेपी को 12 का फायदा और बीजेपी 17 सीटें हासिल कर चुकी है। एक बार फिर से ओवरऑल तस्वीर की तरफ चलते हैं और फिर से कुछ फिल्टर लगा के हम दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से ट्राइबल सीट की बात कर लेते हैं, ट्राइबल सीट पर क्या स्थिति और परिस्थिति बन रही है। ट्राइबल सीटें ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जो है वो 33 सीटें हैं। देखिए ये ट्राइबल सीटें जो है कुछ नक्सल इफेक्टेड एरिया जो है वहां की सीटें भी हैं। ये नीचे का छत्तीसगढ़ का हिस्सा मैप आप देख रहे हैं और ये ऊपर का हिस्सा, और इसमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखिए कि ये नीला रंग जो है 1, 2, 3, 4 बिल्कुल यहां पर गिना जा सकता है उंगलियों में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये 12 बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। देखिए 12 सीटें, 16 सीटों का नुकसान हुआ है और ये ट्राइबल सीट्स हैं, आदिवासी सीट हैं, और यहां पर आदिवासियों के लिए बड़े बड़े काम की बात जो कही गई उसके बाद जो दावे किए गए उसकी तस्वीर आप समझ लीजिए कि क्या तस्वीर बन रही है। इसके बाद फिर से हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ की सीटें देखें तो छत्तीसगढ़ का मैप एक बार फिर से कुछ इस तरीके से नजर आता है। अब हम बात कर लेते हैं SC रिजर्व सीट और ST रिजर्व सीट दोनों की, अगर बात कर ली जाए तो कुल सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ में, कुल सीटें ओवरऑल सीट जो हैं वो 39 सीटें हैं SC ST मिला करके। और बीजेपी को कितना गेन हुआ है, बीजेपी को बहुत बड़ा गेन हुआ है, ये देखिए तस्वीर आप समझ जाएंगे कितना गेन हुआ है। ठीक है ठीक है, 22 सीटें बीजेपी ने हासिल की। ठीक है ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर पाटन से, सीएम भूपेश बघेल जीत चुके हैं। बड़ी खबर यहां से पाटन से, सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई है। विजय बघेल उनके सामने प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनकी हार हुई। सीएम भूपेश बघेल चुनाव अपना जीत चुके हैं, विधानसभा चुनाव सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई। विजय बघेल का ये कहना था कि जब रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर तारीख आएगी तब हम देख लेंगे, लेकिन उनके दावे धरे के धरे रह गए। सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई है पाटन विधानसभा सीट से। पढ़ा और आत्मविश्वास की वजह यह भी थी कि वो एक बार हरा चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल जीत गए हैं और नारायणपुर से बीजेपी के केदार कश्यप जीते हैं। और ममता लांजेवाल का रुख करेंगे हम, हमारे साथ जुड़ गई ममता जी। बिल्कुल ममता, जो सूरत हाल है अभी छत्तीसगढ़ का, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप नजर आती हैं, शायद मुझे निराशा वहां पर होगी, सन्नाटा पसरा होगा। बिल्कुल देखिए, सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत ज्यादा रौनक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस दफ्तर में जो जितनी गहमा गहमी थी वो गहमा गहमी जो है वो कम हो गई है। और बीच में तो ये माना जा रहा था कि नतीजे बदल सकते हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो किस तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं। और आपको देखेंगे ग्रुप ग्रुप में आपको दिखाई देंगे, अलग अलग ग्रुप में इस बात को लेकर वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये पूरा जो कांग्रेस दफ्तर है एक तरह से कहें कि यहाँ पर सन्नाटा सर गया है और सब ये हैरान है। उनका कहना है कि जो भी ये जरूर था कि कुछ एग्जिट पोल जो है उसमें ये बताया गया था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन इस तरह के नतीजे आएंगे इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तमाम वो बड़े चेहरे, मैं एक बार और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको वो दिखाए जो पोस्टर लगा हुआ है कांग्रेस भवन के बाहर, भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार, जिसमें 5 बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। चरणदास महंत दिखाई दे रहे हैं, दीपक बैस दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, TS सिंहदेव
दिखाई दे रहे हैं, ताम्रध्वज साहू दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ये था कि भूपेश पर भरोसा नारा था और उसके बाद भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, इस नारे के साथ जो है वो ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कलेक्टिवली जो है वो कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये चारों चेहरे जो है, चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज हो, चाहे चरणदास महंत हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, और एकमात्र चेहरा जो है भूपेश बघेल का, भूपेश बघेल एकमात्र जो है वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा शॉकिंग है कि कोर कमेटी के, कोर ग्रुप के तमाम जो नेता है वो हार गए हैं चुनाव एक तरह से। और कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है, कहीं उनको लगा था कि चलिए आप पार्टी के नाम पर अगर नाराजगी है तो प्रत्याशी के नाम पर वोट मिल जाएंगे, कहीं प्रत्याशी के नाम पर नाराजगी है तो पार्टी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, लेकिन ये तमाम जो कयास है वो धरे के धरे रह गए। कर्ज माफी का जो बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था, ये लगा था कि ये जो है वो मैजिक नंबर तक पहुंचाएगा, लेकिन ये कर्ज माफी का जो वादा है उसका जादू नहीं चलता हुआ दिखाई दिया। यूथ जो है, यूथ फैक्टर आपके साथ नहीं दिखाई दिए। शहरों में अगर बात करें तो राजधानी रायपुर की देखिए कि सारी की सारी सीटें जो है वो ऐसा ये है कि बीजेपी के खाते में जो बिल्कुल बिल्कुल ममता, सियासत का यही खेल है, कोई पास है तो कोई फेल है, कहीं जश्न का माहौल है, कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात यह हो गई, बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया है कि उसके दिग्गज ही कई दिग्गज पीछे चल रहे हैं, अभी भी कई दिग्गज हार रहे हैं। ममता बिल्कुल देखिए, वाकई कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो कांग्रेस का कहना था कि तमाम एग्जिट पोल से हम आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अभी रुकिए, 56 जो एग्जिट पोल में जो सबसे ज्यादा दिखाए गए थे, नंबर दिखाए गए थे, हम उससे कहीं बहुत आगे जाएंगे। अब तक 75 की बात पर जो बड़े चेहरे ममता ने दिखाए पोस्टर पर, जिन पर भरोसा ना रखने की बात हो रही थी, लेकिन वो बड़े चेहरे भी यहाँ पर हारते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल जीत गए पाटन से, और मैं यहाँ पर मिथुन अरिवार से बात चाहूंगी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे ट्वीट देखने में, वो कन्हैया कुमार का ट्वीट नहीं था, मैं क्योंकि ऑनर आप सवाल के था, ऑनर आपसे ये सफाई दे रही हूं, माफी भी मांग रही हूं। खैर बढ़ते आगे, यहां पर जिस तरह से पूरा तस्वीर ही पलट कर रख दी है रुझानों के बाद, एग्जिट पोल से लेकर एग्जैक्ट पोल की तस्वीर कांग्रेस के हक में नहीं आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर यह कहा जा रहा था कि भले ही बीजेपी का भय दिखना चाहिए, लाइन आर्डर के नाम पर जो कांग्रेसीकरण करके रखे थे राजधानी में, उससे मुक्ति दिलाना हमारा स्पष्ट मत है। कानून का भय होना चाहिए, जो गलत काम करते हैं उनका शिकंजा होना चाहिए, और इसलिए इस छत्तीसगढ़ की जनता ने भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार बनाई है। इस सरकार को मुक्त इसलिए किया कि इस सरकार ने नए नए आयाम गठित किए भ्रष्टाचार के, और इसीलिए आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में, और आधे लोग इंतजार में। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, अब तो सत्ता पे रहेंगे आप लोग। अच्छा वातावरण में शहर का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ प्रगतिशीलता के राज में खड़ा हो, डबल इंजन की सरकार, इसीलिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा दोनों मिलकर अच्छा छत्तीसगढ़ का विकास के काम करें, यही सोच को आगे बढ़ाना। कार्यकर्ता तो बुलडोजर की बात कह रही है छत्तीसगढ़ में, अब जो जो भी है सब ठीक होगा जिस तरीके से। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं जीत का जश्न है वो। राजेश मूलत को आप सुन रहे थे, राजेश मूलत ने दावा किया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। पल पल का अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।